पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिवर्ष अगर 5-5 पौधे भी अपने अपने शहर में घर में जितने सदस्य हैं वो लगावे, हर वृक्ष को कल्प वृक्ष समझ करके उसको लगाया जाए, क्योंकि कोई वृक्ष ऐसा नहीं है कि जिसमें औषधीय गुण नहीं है। हमारी जानकारी न हो बात अलग है, लेकिन कोई वृक्ष ऐसा नहीं है, घास से लेकर के कोई वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसका अपना औषधीय गुण नहीं है, लेकिन लगा के रखेंगे जब पता चलेगा उस दिन उसका औषधि के रूप में भी हम प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो, ये देश हरा भरा हो, क्योंकि इस देश के सभी अवतार ने, श्री राम और कृष्ण ने यही कहा है कि भाग्य के ऊपर निर्भर न रहो, प्रारब्ध का इतना ज्यादा भरोसा न करो। अंतरिक्ष में से कोई देवी देवता कुछ दे देंगे, उस पर भी निर्भर न रहो, हमें तो अपना पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा, बस उसी पर निर्भर रहना। कृपा करना उसका काम है, इसलिए उसमें भी हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ पुरुषार्थ करना है, जमकर पुरुषार्थ करना है। और जब हमारे पुरुषार्थ में प्रामाणिकता होगी तो कृपा को तो बरसना ही होगा। कृपा तब बरसती नहीं है जब हम प्रामाणिक पुरुषार्थ नहीं करते, तो अपनी अपनी ओर से हम पर्यावरण की एक संतुलन करने के लिए प्रयास करें और अपने जीवन को केवल कर्म कांडों में न लगाओ। आजकल बहुत चलता है, बहुत चल रहा है, लोग टीवी में देख देख के भी ये क्रिया करेंगे, वो क्रिया करेंगे, कोई बोले ये वाला रत्न पहन लो, कोई बोले ये वाला रत्न पहनो, कोई बोले ये वाला, कोई गुरु से पूछो ना कि कौन सा नंग पहनो तो वो कहेंगे तुम ही नंग हो। इसमें गुरु शुक्र बुध गुरु सब आ गए, तुम खुद ही रत्न हो, मतलब हिंदी में रत्न बोल, तो सब रत्न है, खुद ही हम खुद ही रत्न है, अब रत्न पर रत्न चढ़ाने की क्या जरूरत। खुद रत्न होकर के फिर आप गुरु पहनो, बुध पहनो, माणिक पहनो, ये पहनो, वो पहनो, तो हम खुद ही रत्न है सब। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचार को इतना पवित्र रखो और दूसरों के लिए जीने की आदत डालो, आपके सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाए। ये ग्रह दोष तो अपने लिए लागू होता है, जिसको अपने लिए जीना है, समाज के लिए जीना सीखो। सुबह उठकर ही विचार करो कि आज मैं दूसरों के लिए, हम आज दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हर माता ये सोचे कि आज के दिन भर में दूसरों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, हर भाई ये सोचे कि शाम तक मैं दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बस सारे ग्रह अपने अपने अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि पारमार्थिक व्यक्ति उससे परे हो जाता। ऐसे भ्रमों में रह करके लोग कई प्रकार की क्रिया करते हैं, तंत्र करते हैं, ये करते हैं। अगर आप तंत्र न करो तो इससे आपका नुकसान होता है, तो ये समझ लो कि ये नुकसान आपका लाभ है, लेकिन तंत्र के द्वारा जो लाभ है वो भारी नुकसान है। जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, इससे परमात्मा की कृपा बरसेगी अपने आप। कर्मकांड पर आधारित न रहो, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र उसमें कर्मकांड की चर्चा है, लेकिन साथ साथ ये भी स्पष्ट है कि जीवन में अगर सुख चाहिए तो कर्मकांड आपको सुख नहीं देता, कर्म ही आपको सुख देता है। आप जो व्यवहार करते थे सुबह से शाम तक अपने घर परिवार वालों के साथ, समाज के साथ, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी दुकान में, अपनी ऑफिस में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने खेत में, अपने लोगों में, अपनी जनता में, आप जो कर्म करते हैं वो कर्म का परिणाम होता है, परिणाम कर्म कांड का नहीं होता। कबीर जी ने कह दिया, गंगा तट पर घर करो ना वो निर्मल नीर, रोजाना 108 रूप की गंगा में लगा लो, लेकिन तब भी बिना भोजन पाए पेट भर जाएगा। 108 डुबकी लगाओ तो भी वो वाला चमत्कार नहीं होगा कि बिना भोजन पाए पेट भर जाए।
108 डुबकी रोज लगाओ तब भी ये परिणाम नहीं आएगा कि बिना बोए आपके खेत में गेहूं हो जाए, मक्का हो जाए, चने हो जाए, कपास हो जाए, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिणाम कर्म कांड का नहीं है, परिणाम कर्म का ही होता है। कर्म कांड तो सिर्फ इसलिए होता है कि हम किसी देवी देवता की पूजा आदि करने में अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। कर्मकांड गलत नहीं है, मंदिर में सेवा पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन एक स्वरूप में अपने मन को एकाग्र करने का ये प्रयोग है, योग है, ये समझो कि मन को एकाग्र करने का एक अच्छा तरीका है कि सामने कोई स्वरूप है उसमें हम अपने मन को केंद्रित करें और उस स्थिर मन से फिर काम करना है समाज का, और इसी से हमारा और आपका सभी का जो गुरुत्व है वो तो परमार्थ से ही प्रसन्न होता है। दो प्रकार से गुरु को देखने की परंपरा रही है। एक तो परंपरा ये है कि आप गुरु के द्वारा मार्गदर्शन पा करके, गुरु को मार्गदर्शक के रूप में मान करके भगवान के कोई एक स्वरूप की साधना कर उस स्वरूप के द्वारा आप आत्मज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि गुरु के द्वारा हमको जिस स्वरूप में एकाग्र किया जाए, राम कृष्ण का जो भी रूप है, तो वो भी तो आकार में हमें स्थापित होने के बाद आगे बढ़ना है, तो जो गुरु की मूर्ति है वो भी तो मूर्ति ही है, तो फिर एक आधार के रूप में तो कोई उसी को सौम्य आधार समझ लेते हैं तो वो भी सही होता है, और कोई उनके मार्गदर्शन में किसी आधार में एकाग्र होकर के ब्रह्म में प्रवेश करते हैं तो वो भी सही है, लेकिन हम सभी का गुरुत्व प्रसन्न हो, क्योंकि हमारी परंपरा में हमारे अपने गुरु महाराज से लेकर के जो भी कुछ दिया गया या जो भी कुछ बताया गया वो परमार्थ ही बताया गया है कि अपने लिए ना जीवो, परमार्थ करो, लुटाना सीखो, भगवान की भरने की लीला का जो साक्षात्कार है वो कर पाओगे। अगर खाली होते हैं तो हम भगवान की भरण लीला का साक्षात्कार कर पाएंगे। हम सब इस गुरुत्व की कृपा के पात्र बने और उस गुरु पद की कृपा से हम भी उस गुरु भूमिका जो है, गुरु स्थिति जो है, उस स्थिति का कभी न कभी हम स्पर्श कर पाए। गुरु के चरण का स्पर्श करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गुरु स्थिति में हमारा स्पर्श होना चाहिए, गुरुता में हमारा स्पर्श होना चाहिए, ऐसा अधिकार गुरु महाराज हम सभी को दे। जय गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय, जय हो गिरनारी।